हाइफा का फिफ्थ मंथ चल रहा है तो वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हाइफा और काशिफ के न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे, सो गाइस आ गए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। और गाइस ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मेरी चीजें भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो रही है। क्या हो रहा है मेरे साथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, जब हम लोग मतलब आप प्रेग्नेंट थे हम लोग चारों के टाइम पे, आपको कभी ऐसा मन हुआ कि नहीं मैं सेवई खा लूं रात में 12 बजे 1 बजे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? तो मतलब मैं मम्मी कुछ अनोखी आजकल के अनोखे बच्चे सही बात है। सो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी वीडियोस देख रही थी, वीडियोस देखते देखते ऐसा हुआ शिरकुर्मा आ गया। अभी जैसे कि बकरा ईद आने वाली है, एक दिन परसों तो बकरा ईद है, तो जब तो शिरकुर्मा बनेगा ही, लेकिन आज ऐसा हुआ कि यार मुझे शिरकुर्मा खाना है। और सीरियसली मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसा जरा भी नहीं था। फर्स्ट प्रेगनेंसी और ये प्रेगनेंसी में जमीन आसमान का फर्क है गाइस मेरे। सो गाइस और मुझे बहुत जोर की चोट भी लग गई, इतनी स्वेलिंग आ रही है मैं सीधा चल नहीं पा रही। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या हो गया मेरे पैर में। मुस्तुनो गाइस, ये मुझे चोट लग गई, बहुत ही ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है। यहाँ पे पूरा ना स्वेलिंग आ गई है, ये सब ना मेरा सूज गया है पैर। मैं मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो गिरती ही नहीं थी, कुछ भी नहीं होता तो चोट भी नहीं लगती थी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा ना, जरा और है मैं फिसल जा रही हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, बहुत मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ में मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। और घर में सेवई नहीं थी एज यूजुअल, क्योंकि लाना था ईद के लिए, ड्राई फ्रूट्स तो सारे रखे हुए, बस सेवई नहीं थी। तो मैं क्या करूँ, तो अमन को बोली इंस्टामार्ट पे, उसने देखा इंस्टामार्ट पे सेवई मिल नहीं रही थी, तो हम लोगों ने फिर उसने बोला कि अब क्या करूँ, तो मैं बोली अच्छा ठीक है क्या। तो उसने बोला कि चल ठीक है एक काम करता हूँ, मम्मी से पूछता हूँ कि ऊपर है क्या नहीं। तो मम्मा ने बोले है सेवई, तो मेरा दिल खुश हो गया। अरे वाह, जो दिल से मांगो तो वो चीज मिली जाती। मम्मा ने बोलते देखो सेवई क्यों चेतती रात में, अभी तो ईद नहीं है। मम्मा ने मन हो रहा है, क्रेविंग हो रही है मुझे। हाँ बेटा हाँ ठीक है बाय बाय। मैं बोली मुमानी क्रेविंग हो रही है मुझे, तो बोलते अल्लाह ये लड़की। तो फिर इसके बाद में मुमानी ने मुझे सिवई दी है, सिवई का पूरा पैकेट दे देते। हाँ मम्मा हाँ बाय बाय, सिवई का पूरा पैकेट दे देते। मैंने उसको कट करी और हाफ लेकर आ गई। अभी मैंने वैसे तो दूध है घर में, लेकिन वो मुस्तजाब का दूध है तो वो हम यूज नहीं करेंगे। अक्षत बाहर ही है, तो अक्षत को मैंने बोली हूँ दूध और मावा लेकर आ, बाकी सब चीजें घर में है। तो अब वो लेकर आएगा और मैं फटाफट से चलो हम लोग जब तक ये ड्राई फ्रूट्स कट कर देते। वैसे तो दूध बॉयल होना ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी हम पहले जब तक खाली बैठे तो हम ड्राई फ्रूट्स ही कट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में जो भी है बाकी के काम करेंगे। और कैसा मैं शिरकुर्मा बनाती हूँ आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। मैंने मेरे ड्राई फ्रूट्स मैंने ज़्यादा ही बनाई हूँ। मैं 1 लीटर का शिरकुर्मा बना रही हूँ, और ये ले ली हूँ मैंने सेवई, इसको मैंने कट करके लेके आ गई थी, ऊपर से ये फूल थी तो इसको हाफ कट करी, और जितना मुझे ज़रूरत थी उतनी मैंने ले ली मुमानी से। और निकाल के रखी मैंने घी, तो हम लोग की घी रही है, तो फटाफट से हम इसको पहले कट कर लेते हैं। अक्षत भी दूध के यहाँ पे पहुँच गया, ले लिया उसने सामान, बस वो घर पे आ ही रहा है, तो हम लोग फटाफट से इसको कट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइज मैंने मेरे ड्राई फ्रूट्स कट करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अभी कोई कैमरा पकड़ने के लिए है नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे साइड में रख दी हूँ कैमरा। और जो जिस जिसकी सेकेंड प्रेगनेंसी रहेगी तो आप लोग भी शेयर करना कि आप लोग ये सब चीज़ें रात में करते हो क्या, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा कभी कभी रात में मैं 2 बजे मैक्रोनी खाने का मन होता है। मेरी मुमानी को मैं बुलवा के फिर वो बनवाती, क्योंकि उनके हाथ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है गाइज। मैंने 1-2 बार ऐसा कर चुकी हूँ, उनको झूठ बोल के घर पे बुलाई, मानी आ जाओ आप भी आ जाओ, हाँ कुछ काम है बोल के मैंने उनको बुलाई,
और फिर बोले अच्छा इसलिए बुला रही थी क्या? तो वो हंस रहे मेरे ऊपर, क्या है पर क्या कर रही है तू, मतलब पहले कभी मैंने ऐसा की नहीं ना, उनको कभी बोली नहीं। और मुस्तू के टाइम पे भी कब, हाँ मुस्तू के टाइम पे मैंने खाई, मुस्तू के टाइम पे तो वो नकली थे यहाँ पे तो मैंने खा ली थी, और फिर अभी ये टाइम पे तो वो है नहीं, तो मैंने उनको बुलाई और फिर उन्होंने बनाए। और बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे नहीं, एक दो कमेंट्स आए हैं कि हाइफा का 5th मंथ चल रहा है तो वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे 5th मंथ अभी स्टार्ट हुआ है और मेरी शादी का 5वां महीना खत्म होने वाला है, ऐसा है। तो ऐसा कुछ नहीं, शादी के बाद डायरेक्ट मैंने कंसीव कर ली थी। तो अगर आप लोग ये चीज सोच रहे हो कि नहीं शादी से पहले, तो ये फालतू चीजें आप लोग कैसे सोच सकते हो, मेरे तो समझ में नहीं आता है। चलो खैर क्या कर सकते हैं हम। और किसी ने फिर उसका रिप्लाई भी किया है, क्या पागल लोग है तुम लोग, कैसी कैसी बातें करते हो ये वो। तो अच्छा लगता है ये सब कमेंट्स पे जब रिप्लाई आते हैं, तो जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह। और हाँ चलो मेरे को तो खुशी हो रही है कि मैं अभी खाने वाली हूँ शिरकुरमा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। ये वाली प्रेगनेंसी मेरी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है गाइस, मुझे बहुत क्रेविंग होती है अलग अलग। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे जैसे फ्रूट्स खाना है ये खाना है, नहीं मुझे अक्षत आ गया है, अपने दूध लेके आ गया है। और अभी मैं फटाफट से मेरा दोनों दूध बॉयल रखने रख दी हूँ, मुस्तजाब का भी और मेरा भी, तो हम लोग फटाफट से ये भी कट कर लेते हैं और दूध भी बॉलेगा। देखो जरा सा मैं बाहर ये कट करने क्या गई और यहाँ पे पूरा दूध गिर गया है, और ये मेरा दूध हो भी रहा है पक भी रहा है। ये वाला दूध चलो गिरा नहीं, ये मुस्तू वाला दूध था और ये मेरे शिरकुरमे वाला दूध था, तो ये थोड़ा सा गिर गया है जैसे कि ये देखो शीट। चलो फटाफट से हम यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। ये 100 ग्राम मावा था, इसमें मैंने हाफ मावा डाल दियो ताकि दूध के साथ में अच्छे से पके और टेस्ट आए मावे का भी इसमें। तो अब इसको हम 10 से 15 मिनट थोड़ा और पकाएंगे, फिर बस उसके बाद में हम सब फ्राई करके इसमें डाल देंगे। मेरे कट हो गए, सब कुछ हो गया है, सेवई मुझे तोड़ के क्रश करके रखना है साइड में, वो भी क्रश करके रख देती हूँ ताकि मैं फटाफट से फ्राई करके डायरेक्ट डाल सकूँ। यहाँ पे दूध का कलर मेरा लाइटली चेंज हो चुका है, अब हम इसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा पका नहीं सकते है, वरना ये जो दूध और आधा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दी हूँ और ये देखो यहाँ पे मुस्तू ड्राई फ्रूट्स खा रहा है। यहाँ पे मेरा पैन गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे घी। तो अभी मैं थोड़ी ही घी डाल रही हूँ क्योंकि इसके बाद में जो हम सेवई भुनेंगे उसमें भी घी लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा डाली। फिर ड्राई फ्रूट्स हम यहाँ रखे ये डाल के इसमें फ्राई करके हम डायरेक्ट दूध में डाल देंगे। सो गाइस तेल हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स और इसको अच्छे से पका लेंगे। एकदम ब्राउनिश करना है मुझे ये, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है एकदम ब्राउनिश कर देंगे तो चलो फटाफट से हम इसको पका लेते हैं और फिर मिलते हैं। ब्राउन हो चुका है, अब ये टाइम पे हम इसमें डालेंगे हमारा जो बचा हुआ मावा था वो हम इसमें डाल देंगे पूरा। तो क्योंकि इसको भी हमें पकाना है। यस गाइस मेरा ड्राई फ्रूट भी हो चुका है, अभी हम इसको डायरेक्ट दूध में डाल देंगे। ओह वाओ क्या कलर आ गया इसमें गाइस, ये वजह से मैं इसको इतना पकाई थी ताकि इसमें इतना अच्छा कलर आ सके। सो गाइस अभी इसमें हम वापस से घी डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम हमारी सेवई। ये होने के बाद में मैंने इसमें अभी वो डाली हूँ शक्कर डाली हूँ, क्योंकि सेवई थोड़ी सी पकेगी और उसी के साथ साथ शुगर मतलब शक्कर भी पक जाएगी। मैं शुरू में इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि पूरा शहद दूध पकते पकते जितना पकता उतना मीठा होते जाता है, तो इसलिए मैं एंड में शुगर डालती हूँ ताकि ज़्यादा ना हो शुगर। कितना प्यारा कलर आया, हो माशाल्लाह, बस अभी लग रहा है कि बस निकालू और खा लू फटाक से। मेरा तो शिरकुरमा बनने ही वाला है, तो आप लोग भी बताना मुझे
कमेंट करके जो जो प्रेग्नेंट हो गए कि आप लोगों को रात में किस किस चीज की क्रेविंग होती है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा, कभी रात में हम डोसा खाने जाते हैं, रात में 3 बजे खारगर डोसा खाने जाते हैं, भूख लगती है, क्रेविंग होती है डोसा खाने, कभी छोले भटूरे खाना है, कभी कुछ खाना है, वो भी सिर्फ रात में होता है, इस दिन भर नहीं होता है। और ऐसे मैंने पूरी, मतलब अभी तक के मेरे को 5 मंथ चालू है, 3-4 महीने मैंने कुछ नहीं खाई हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है। अभी तो माशाल्लाह मैं खा रही हूँ, लेकिन अब देखते हैं, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है हमारी 20 तारीख को, तो देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं इस बार। शायद से इस बार मुझे डांटी ना पड़े, क्योंकि अब तक जितनी भी मैं मेरी मतलब डॉक्टर के यहाँ गई हूँ, उतनी बार मुझे डांटी पड़ी है, तो इस बार देखते हैं क्या है। मुझे डांटी पड़ेगी डॉक्टर के पास क्या नहीं, वो तो पता नहीं है। तो गाइज, बहुत ही ज्यादा मैं, मेरी ये डिलीवरी का टाइम है जो वैसे यूजुअली सब लोग इंजॉय करते हैं, मुझसे ये चीज, मतलब मुझसे इंजॉय नहीं हो रहा है। मुझे ये हो रहा है कि मुझे इतना पेन है, इतना यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, बस खाने की जो चीजें है ना, वो मुझे चाहिए। मेरा मन हो रहा है तो मुझे चाहिए, नहीं होता है ना तो मुझे गुस्सा आता है, क्या करूँ क्या करूँ, क्या तोड़ दूँ, ऐसा होता है गाइज मुझे। तो ये वजह से मैं ये सब चीजों का ज्यादा ध्यान रखती हूँ, काशिफ और ज्यादा ध्यान रखते हैं। कल तो काशिफ मेरे लिए आम लेकर आए थे, मुझे आम खाने थे, लेकिन मुझे खाना था लंगड़ा आम और काशिफ लाए बादामी, और काशिफ को मैंने बताया भी नहीं मुझे वो खाना है, काशिफ जाके ले आए। हाँ ठीक है, बादामी पसंद है, बादामी खाती है तो मैं ले आता हूँ। अब जब लेके आए तो मेरे से पूछे भी नहीं, आम लेके आ गए तुमने, तो काशिफ कहे हाइफा तुमको ये होना चाहिए कि मैं लेके आया और तुम्हारा ये था, मुझे ये वाला नहीं खाना है, मुझे दूसरा वाला खाना है, ये क्या बात होती है। सो गाइस, ऐसे ऐसे मूड स्विंग्स चल रहे हैं मेरे, बस चीजें आगे की अच्छी हो और कुछ नहीं। तो हमारा शिरकुरमा भी हो गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस ये देखो, मेरा शिरकुरमा बन गया है, एकदम मस्त, एकदम यम्मी यम्मी लग रहा है। तो बस अभी हम इसको 2 मिनट बाद गैस ऑफ करेंगे और खाएंगे। गाइस ये देखो, यहाँ पे मुस्तजाब दिखाएंगे हम लोग, पहनो तो, ये देखो मामू पहन लिया है, देखो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी तू भी पहनेगा, लेकिन हटाना नहीं फिर, अभी पहले पहनो पहनो अच्छे से पहनो। अरे वाह, नन्ना को दिखाओ, नन्ना अबे फंस गया मामू, मामू फंस गया मामू, निकाल रहा हूँ। गाइस उसको बहुत ज्यादा उलझन होती है, कोई चीज उसको बंधी भी नहीं रहना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। नो गाइस, 1:30 बज गए हैं, सब कुछ करते करते मुझे, और मैं अभी टेस्ट करने जा रही हूँ शिरकुरमा। मम्मी खाए, मम्मी तो बोले बहुत ही ज्यादा अच्छा बना है, तो दिल खुश हो गया गाइस, इतना मेरा मन हो रहा था खाने का। तो यही था मेरा शिरकुरमा बनाने की रेसिपी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी, और मेरी क्रेविंग भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर ली। जैसे जैसे मुझे जो जो क्रेविंग होंगी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती जाऊंगी। और डेली रूटीन, मैं प्रेगनेंसी में सुबह से शाम तक के क्या खा रही, इंशाल्लाह वो व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलो इसी के साथ मैं व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।